नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। तो ये जो है मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर के कंटेंट से। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स इन फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस, फिर आएगा हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फिर आएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फिर आएगा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आएगा हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक हम लोग आज जो है इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो कि सेम टारगेट को अचीव करने के लिए जो है वर्क करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्संस फॉर्म टू अचीव सर्टेन गोल्स। तो जब एक ही काम को अलग अलग लोग करते हैं तो उस टाइम जो है वो लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते हैं ताकि उनका काम जो है आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट का नाम आता है एडगर एच शाइन। तो ये जो है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ रैशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल थ्रू डिविजन ऑफ लेबर्स एंड फंक्शंस एंड थ्रू हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो है ज़रूरी होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज़। सबसे पहला स्टेप है हमारा डिटरमाइन करना एक्टिविटीज़ को। फिर दूसरा स्टेप आता है हमारा ग्रुप द एक्टिविटीज़। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है असाइंड ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड इंडिविजुअल्स। फिर चौथा आता है हमारा डेलीगेट अथॉरिटी एंड फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। फिर आता है हमारा लास्ट में प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटीज एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट। तो चलिए इन सभी स्टेप्स को एक एक करके ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डिटरमाइन द एक्टिविटीज़। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले तो हमें काम करने से पहले ये जानना होता है कि हमें काम क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग ऑफ मशीन्स हो गया, मेंटेनिंग ऑफ मशीन्स हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, इसी तरह के जो काम है इसे हमें पहले जो है पता करना रहता है कि हमें काम करना क्या है, यानी कि डिटरमाइन करना रहता है एक्टिविटीज़ को। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप द एक्टिविटी। इसका मतलब हम लोग का जो काम है वो तो हमें पता चल गया, अब हम लोग को पता करना रहता है कि कौन कौन है जो इस काम को कर रहे हैं, और जो जो सिमिलर पर्सन्स लोग होते हैं जो इस काम को कर रहे होते हैं हम लोग उसके साथ जो है ग्रुप फॉर्म करते हैं और जो है साथ मिल करके वो काम करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप द एक्टिविटी। फिर हम लोग आता है असाइन ग्रुप एक्टिविटीज़ टू इंडिविजुअल। इसका मतलब होता है कि ग्रुप एक्टिविटी जो हम लोग पूरा कर रहे हैं, पूरी ग्रुप में फॉर्म करके जो एक्टिविटीज़ को किया जा रहा है वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल एक्टिविटी होना चाहिए, कोई अलग अलग एक्टिविटीज़ होने से हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगा। हम लोग सभी लोग जो है एक ही काम करें, पूरे ग्रुप का मेंबर्स जो है एक ही काम पे लगे रहे, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेलीगेट अथॉरिटी एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि हमारा जैसे ही डिपार्टमेंट फॉर्म हो जाता है, पूरा अथॉरिटी फॉर्म हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग को अब बारी आती है काम को इम्प्लीमेंट करने की। तो काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो है एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, और मैनेजर को जो है फुल पावर दिया जाता है ताकि हमारा काम इफ़िशियंट हो, कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके और वेस्टेज ऑफ टाइम एफर्ट और मनी ना हो सके। तो इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेशनशिप्स। तो अब जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाने के बाद, पावर मिल जाने के बाद हमारी बारी आती है कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किस तरह से हम लोग को काम करना है, किसके ऑर्डर्स मानने हैं, किसके नहीं मानने हैं, किसके दिखाए गए रास्ते पर चलना है। तो अब हम लोग का लास्ट में आता है प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड प्रॉपर इन्वायरमेंट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड किए जाने चाहिए उन सभी वर्कर्स को ताकि हमारा काम जो है हो सके। तो हमारे फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या क्या फैसिलिटीज़ आते हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे मशीन्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस आ जाते हैं, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, काफ़ी सारे ऐसे फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड किए जाते हैं वर्कर्स को ताकि हमारा काम जो है वो एफिशिएंट हो सके।
अब बारी आती है प्रॉपर इन्वायरमेंट की। तो प्रॉपर इन्वायरमेंट का मतलब होता है अच्छा इन्वायरमेंट एक बनाए रखना, ताकि हमारा काम जो है एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सके। तो प्रॉपर इन्वायरमेंट के लिए हमें जो है काम में क्या क्या ज़रूरत होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा लाइटनिंग ज़रूरत होता है, वेंटिलेशन ज़रूरी होता है। कोई भी जगह पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, फिर आता है रिस्पॉन्सिबल वर्किंग आवर्स जो होता है वो ज़रूरी होता है। अच्छी तरह का एक सेट किया हुआ वर्किंग आवर्स होना चाहिए। फिर आता है रेस्ट इंटरवल्स, इंटरवल्स हमारे ज़रूरी होते हैं। फिर जॉब सिक्योरिटी ज़रूरी होता है, क्लीनिनेस ज़रूरी होता है, वगैरह वगैरह। और भी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारे ज़रूरी होते हैं। तो यही सब होते हैं हमारे इन्वायरमेंटल नीड्स एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के। अब हमारा नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो जो हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या होता है कि सभी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है लीनियर रिलेशनशिप्स में अरेंज किया जाता है, ताकि हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा जनरल मैनेजर, फिर आता है प्रोडक्शन मैनेजर, फिर आता है सुपरिटेंडेंट टू वर्कर्स। तो इसी तरह से जो है हम लोग का लीनियर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। तो एप्लीकेशन इसका क्या होता है, ये जो है मेनली स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वर्क करता है। जैसे कि हो गया शुगर फैक्ट्रीज वगैरह, स्मॉल वर्कशॉप हो गया, पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ये सिस्टम वर्क करता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशंस के एडवांटेजेस की। तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। तो जो हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है ये काफ़ी सिंपल होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसको जो है समझने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, ज़्यादा वर्कर्स को इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अब जो है इसमें हमारा अथॉरिटी का डिवीज़न है वो एकदम डेफिनेट और क्लियर होता है, उसमें हमारा कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। इसके बाद जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग का क्विक डिसीजन होता है, अकाउंटिंग जो है इफेक्टिव होता है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, और यहाँ पर हमारा जो है लो ऑपरेशन कॉस्ट होता है। तो यार इसके इतने सारे एडवांटेजेस तो है, तो दूसरे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, किसी चीज़ का अगर एडवांटेजेस होता है तो उसका याद रखिए डिसएडवांटेजेस भी होता है। उसी तरह से जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशंस का डिसएडवांटेजेस भी है। तो चलिए जान लेते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशंस का डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा डिसएडवांटेजेस आता है ये कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ये ओनली एंड ओनली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस पे ही वर्क कर सकता है, और इसमें जो है हमारा लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा टाइम और हमारा प्लानिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी के काम अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से बटे हुए होते हैं, जिससे कि यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप भी काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और जो लार्ज इंटरप्राइजेस होते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को, इस टाइप को जो है अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों कुछ डिसएडवांटेजेस लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में, जो कि है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्पेशलिस्ट को हम लोग बुलाते हैं, जो कि रिस्पेक्टिव काम के जो है स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि HRD हो गया, प्लानिंग मार्केटिंग वगैरह का जो मैनेजर हो गया, उस टाइप का जो है स्टाफ्स को हम लोग अपॉइंट करते हैं। तो इन्हें हम लोग जो है स्टाफ्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में एक डायग्राम शो हो रहा होगा, जिसमें आपको सारे स्टाफ्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर सेक्रेटरी है, CEO है, लीगल एडवाइज़र है, HRD मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, उसके नीचे हमारा आता है वर्क मैनेजर, फिर आता है हमारा सुपरिटेंडेंट, उसके नीचे आता है हमारा फोरमैन्स, और लास्ट में आता है हमारा वर्कर्स। तो इसी तरह से जो है हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। और यहाँ पर जो है हमारा CEO होता है वो स्टाफ ऑफिशियल होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और जो HRD मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर और जनरल मैनेजर होता है, वो लोग जो है स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस इसका ये आता है कि ये, तो इसका पहला एडवांटेजेस ये है कि जो लाइन मैनेजर होता है हम लोग का, जैसा कि हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, उसे काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, प्रेशर होता है, जिसके कारण वो जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये चीज़ नहीं होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है सारे लोड्स एंड प्रेशर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग स्टाफ के द्वारा, जिसके कारण जो है मैनेजर के ऊपर जो भी प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है, और उससे जो है मैनेजर को काफ़ी रिलीफ मिलता है, और वो जो है आगे के लिए प्लानिंग कर सकता है, जिससे कि हमारा काम का एक्सपेंशन जो है वो होते रहता है। तो क्योंकि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग का स्पेशलिस्ट लोग वर्क करते हैं, तो यहाँ पर हमारा काम का क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, और डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी बेटर होता है पहले से।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस ये आता है कि इसमें हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मैंस का, मशीन्स का और मटेरियल्स का। फिर हम लोग का प्रोडक्टिविटी जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, और इसमें जो है लेस एक्सीडेंट्स एंड वेस्टेज होने का खतरा रहता है क्योंकि हम लोग इसमें स्पेशलिस्ट को यूज़ करते हैं और काम जो है वो बटा रहता है। और यहाँ पर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। अब हम लोग आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है चलिए देख लेते हैं। तो क्योंकि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ्स को जो है अपॉइंट किया जाता है, तो इसके लिए जो है हमें काफ़ी ज़्यादा ओवरहेड कॉस्ट लग जाते हैं क्योंकि हमें स्टाफ्स को भी सैलरी देनी पड़ती है। और यहाँ पर जो है हमारा किसी वजह से अगर प्रोजेक्ट फेलियर हो गया तो हम लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे जो है ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। और जो है इसके वजह से लाइन एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंच सकता है। अब क्योंकि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चे आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है स्टाफ्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको लोअर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है। अब हम लोग लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशंस को देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऑटोमोबाइल, पावर जनरेशंस, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह जैसे जगह में यूज़ होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो पूरा वर्क होता है वो मैनेजमेंट एंड डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स के बीच डिवाइडेड होता है, और इसे हम लोग जो है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह से वर्क करता है चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो है, तो जो हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टाफ को ही जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी पर्टिकुलर फंक्शन हमारा है उसके लिए। अब इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी सब ऑर्डिनेट्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, वो लोग जो है एक सुपेरियर वर्कर्स पे जो है डिपेंड नहीं करते हैं, उन्हें जो है अलग अलग सुपेरियर वर्कर्स से जो है परमिशंस लेना पड़ता है, और इसीलिए जो है हमारा वर्कर्स का रिपोर्ट जो होता है वो मोर देन वन हेड के पास होता है। तो आप स्क्रीन पर जो है फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेजेस क्या होता है चलिए देखते हैं। तो जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है इससे हमें काफ़ी क्वालिटी वाला वर्क मिलता है क्योंकि इसमें जो है स्पेशलिस्ट लोग जो है वर्क करते हैं, और इसमें जो है हमारा ऑलराउंडर एग्जीक्यूटिव्स को रखना नहीं पड़ता है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है सारे फंक्शंस को करने के लिए, तो यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से बेटर फैसले ले सकता है, उसे जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें जो है हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और मास प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारे एक्सीडेंट्स और वेस्टेजेस काफ़ी कम होते हैं, जिससे कि हमारा मशीन और मटेरियल का जो है बचत होता है, टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा बचत होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंस जो है वर्कर्स स्टाफ्स काम करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो सुपरवाइजिंग होता है इनका वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होता है, जिससे कि जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं लो लेवल के वर्कर्स होते हैं वो लोग के पास काम के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए वो जो है कभी कभी कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें जो है वर्कर्स को दूसरे सुपरवाइजर के अंदर काम करना पड़ता है, दूसरे बॉस के अंदर काम करना पड़ता है, जिसके कारण वो लोग जो है थोड़ा सा नखरेबाजी दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें जो है डिवीजन एंड सब डिवीजन जो है वो आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर जो है एक्सपर्ट्स की होने की वजह से जो वर्कर्स लोग के ओपिनियंस होते हैं वो उनको दबा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारे एक्सपर्ट्स सिर्फ एक ही होते हैं, यहाँ पर कोई एक गलत डिसीजन होने से जो है पूरे काम पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और जो है उसे चेक करने का हमारे पास कोई टाइम भी नहीं होता है। और यहाँ पर जो है क्योंकि एक्सपर्ट्स लोग काम करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है हमारे लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी बन जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, अलग अलग टैलेंट्स के लोग होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं, और इससे जो है कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो है अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा बना रहता है, जिसके कारण जो है मोटिवेशंस मिलते रहते हैं सभी पीपल्स को, सभी वर्कर्स को। जनरली जो है प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन को मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे प्रोजेक्ट के लिए, और उसी के हाथ में जो है फुल कंट्रोल होता है पूरे प्रोजेक्ट का।
अब हम लोग देख लेते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म कब किया जाता है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन तब फॉर्म किया जाता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, एक से ज़्यादा वर्क आ जाते हैं, काम आ जाते हैं करने को, तब हम लोग जो है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं, जिससे कि हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स को जो है एक ही टाइम पर कम्प्लीट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टीम्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हम लोग का अलग अलग प्रोजेक्ट जो है एक ही टाइम पर हो सके। एक टीम जो है एक प्रोजेक्ट को कंडक्ट करती है। अब आप जो है प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का होता है। अब हम लोग जो है प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस को देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एडवांटेजेस सबसे पहला ये आता है कि यहाँ पर हम लोग का क्विक डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन को हम लोग जो है बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। यहाँ पर जो होता है मैनेजर के पास फुल कंट्रोल होता है, पूरे टीम का फुल पावर होता है उसके पास, जिससे कि जो है कोई भी काम को जो है जल्दी जल्दी अंजाम दिया जा सकता है, जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी होने पर जो है हम लोग उसे जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो है टीम वर्क होने की वजह से जो है हमारा फुल कंट्रोल होता है सभी रिसोर्सेज पर, जिससे हमारा कोई भी वेस्टेज नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे जो है टीम्स फॉर्म किए हुए होते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि यहाँ पर हमारे एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास जो है पावर्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट का जो है इंफॉर्मेशन लीक होना, उसका डुप्लीकेशन होना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है टीम वर्क करते हैं, कोई भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुलाया नहीं जाता है, तो हमारा जो है काम का परफेक्शन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, और इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, और इसमें जो है हम लोग का और इसमें जो है कन्फ्लिक्ट्स पैदा होने से जो है टीम वर्क जो है टूटने का काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है, और इससे जो है हम लोग का प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो ये थे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। तो अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मेनली जो है बिज़नेस प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल आ जाता है L&T का, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह का। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में जो है प्रोजेक्ट टाइप ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ किया जाता है। तो यहीं पर दोस्तों आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।